हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ग्राइंडर मशीन का फील्ड कॉइल वाइंडिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी और इजी तरीका से। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों जरूर देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। पीछे से इसका जो बोल्ट होती है उसको आप इस तरह से ओपन कर लीजिए, तो पीछे का जो ढक्कन है वो खुल जाएगी इस तरह से। और खुलने के बाद सबसे पहले इसमें जो कार्बन पॉइंट है दोस्तों, उस दोनों कार्बन को यहाँ से निकाल लेना है, नहीं तो जब आप इसको आर्मेचर को खींचेंगे तो ये कार्बन टूट जाएगी। तो सबसे पहले इस कार्बन को खोल लेना है। इसके बाद इसका सामने वाला जो ये हाउसिंग है इसको भी खोल लेना है, इस चारों नट को ओपन करके, बहुत ही आसान है। देखिए ये बाहर आ चुकी है। इसका दोस्तों जो आर्मेचर है पे वो बहुत ही ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फील्ड कॉइल है दोस्तों, इसमें ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ से इसका जो कनेक्शन है स्विच के साथ और कार्बन पॉइंट के साथ, उसको ओपन कर लेना है। इस तरह से इसका जो लीड है उसको इस तरह से ओपन कर देना है, तभी जाके ये बाहर आएगी। अब देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से धीरे धीरे करके हीट करेंगे नीचे की तरह, तो इसका जो फील्ड कॉइल का कोर है वो बाहर निकल के आ जाएगी। इसके बाद इसको इस तरह से खींच लेना है। देखिए ये आसानी से बाहर आ गया। तो आइए अब हम इसको देखते हैं, टेस्टिंग करके इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीरीज लैंप पे देखिए, एक जो कॉइल है उसमें डायरेक्टली बॉडी शॉर्ट सर्किट आपको दिखा रहा है। देखिए फुल बॉडी है एक कॉइल में, और इसका जो दूसरा कॉइल है उसको देख लेते हैं। देखिए दूसरा कॉइल में दोस्तों बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों इसका दोनों कॉइल ही हमको वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों हम इसका जो कॉइल है कटिंग ग्लासेस का काट के अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से टोटल दो कॉइल निकल के आई है। तो अब दोनों कॉइल में से दोस्तों किसी भी एक कॉइल को आपको लेना है, और लेने के बाद दोस्तों इस कॉइल में जो ट्रान है उसको आपको काउंट कर लेना है। इस तरह से 1 2 3 मुंह से काउंट करके आप इसका जो ट्रान है वो गिनती कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो ट्रान है वो मैंने काउंट करके कंप्लीट कर दिया है, वो आया है टोटल 130 ट्रान, यानी 130 पाका इसमें हमको देना पड़ेगा। इसमें से एक वायर आप ले लीजिए, और इन वायर का दोस्तों आप जिस दुकान में वायर खरीदने जाओगे वहाँ ले जाएंगे, और इसका जो SWG है वो आपको निकल के दे देगी। तो उसकी पास SWG निकालने का जो टूल्स है वो होती है, तो आप उससे SWG निकाल सकते हो। इसका जो SWG है दोस्तों वो है सकते हो। इसका जो आउटर डाई है दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसमें दोस्तों जो इसका इनर डाई है वो तकरीबन आप देख सकते हो 3 सेंटीमीटर के आसपास है। ये सब कुछ आपको दोस्तों मिला लेना है, और इसका जो गोलाई साइज है देखिए वो तकरीबन 17 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपकी जो पास जो मशीन होगी वो मिलेगी, तभी जाके डाटा आप इस्तेमाल करिए। अब देखिए कॉइल बनाने के लिए हम इस तरह का एक लकड़ी का फॉर्मा इस्तेमाल करेंगे, तो इस फॉर्मे का जो साइज है वो आप देख वो तकरीबन 19 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों जो हम कॉपर इस्तेमाल करेंगे, कॉपर तो देखिए कुछ इस तरह से कॉइल बन के हमारे दोस्तों कॉम्पैक्ट हो गया। अगर आपके पास इस तरह का मशीन नहीं है दोस्तों, तो आप लकड़ी के ऊपर पेरेक बिठा के भी कॉइल इस तरह का बना सकते हो। देखिए आपको टोटली दो कॉइल बना लेना है कुछ इस तरह से, एक ही साइज़ का एक ही ट्रान देना है दोनों कॉइल में। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा पुराना वाला कॉइल था उसका जो वेट है आप देख सकते हो 71 ग्राम के आसपास है। अब दोस्तों जो हमने नया कॉइल बनाया है, अब उसका वेट आप देख लीजिए यहाँ पर, वो 69 ग्राम का है, क्योंकि दोस्तों पुराना कॉइल में थोड़ा सा ब्राउनिश है, तो उसलिए थोड़ा सा 1-2 ग्राम ज़्यादा है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फिलिंग पेपर है वो हमको 7 नंबर का फिलिंग पेपर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो जो गार्लेम पेपर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से फिलिंग पेपर का दोस्तों साइज़ का काट के आप इस तरह से राउंड साइज़ में कॉइल के साथ इस तरह से डाल देना है। इसके बाद इसमें फिर कोई कांटा आती है दोस्तों,
उसको यहाँ पे चिपक देना है, तो बहुत ही आसानी से ये दोस्तों सेटिंग हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए ये कॉम्प्लीट हो गया। इसी तरह से दोस्तों हमको दूसरा साइड भी इसका सेम इसी तरह से गोल करके इस तरह से फिल्म पेपर से कॉइल को कवर कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए दोस्तों दोनों कॉइल हमारा टेपिंग होकर कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्टैंडर में डालना है, तो चलिए हम इसको डाल के दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टेटर है और इस कॉइल को इसके अंदर डालने में बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ। कॉइल को कुछ इस तरह से थोड़ा सा लंबा बना लेना है, लूज बना लेना है। इसके बाद इस तरह से कॉइल को दबा के इस स्लॉट के अंदर डाल देना है। अगर आप पहली बार कह रहे हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कॉइल दोस्तों स्लॉट के अंदर चली जाती है। और देखिए कॉइल कुछ इस तरह से यहाँ पे बिट के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से दोस्तों हमको दूसरा कॉइल भी इसमें इंस्टॉल करना होगा। चलिए दूसरा कॉइल हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों कॉइल बहुत अच्छे से इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, जैसे कि जो एक नंबर या ज़ीरो नंबर का जो ट्यूब होती है उसको लीडो के अंदर डाल देना है इस तरह से, और धागे की मदद से दोस्तों इस कॉइल को दोस्तों बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर धागे से इसको नहीं बांधेंगे दोस्तों तो कॉइल सही से नहीं बिठेगी। तो इस तरह से टाइट करके दोस्तों कॉइल को आपको इस तरह से देखिए बांध लेना है। जैसे आप इसको बांधेंगे दोस्तों कॉइल आपके बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बैठ के कम्प्लीट हो जाती है। तो धागे से बांधना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, दोनों कॉइल को ही इसी तरह से बांध लेना है। अब देखिए कॉइल हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छे से और क्लियरली यहाँ पे देखिए इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया है। आपको वो चेक कर लेना होगा किस भी अंदर आर्मेचर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लियर होना चाहिए इस तरह से। अब दोस्तों देखिए इसमें आपको बर्निश करना है ना इस तरह से। बर्निश करने के बाद इसको धूप में 2 से 3 घंटा सूखा लेना है, और सूख जाने के बाद ही दोस्तों इसको आप फिटिंग कीजिए। अगर देखिए हमारा जो कॉइल है वो सूख के बिल्कुल कॉम्प्लीट हो गया है दोस्तों। अब देखिए इसका जो बाई हाथ की तरफ जो लीड है दोस्तों वो हमारा स्विच में जाती है, और दाई हाथ की तरफ जो लीड आएगी दोस्तों वो कार्बन की जो पॉइंट होती है ना उसमें जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो कॉइल है दोस्तों उसमें भी सेम, पहला जो बाई हाथ की तरफ लीड है वो स्विच में जाएगी और जो दाई हाथ की तरफ लीड है वो कार्बन पॉइंट में जाएगी। ये आपको ख्याल रखना है। अब इसके बॉक्स के अंदर इसको हमको इंस्टॉल करना है, तो इसमें जो चारों आप होल देख रहे हो इस चारों होल के अंदर चारों लीड को हमको बाहर निकाल देना है। बाहर से कुछ इस तरह से इसको डालेंगे और चारों लीड बाहर निकल जाएगी। तो आइए हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए आपको कुछ इस पोजिशन से डालना है। देखिए ये जो कॉइल है दोस्तों इन कॉइल का ये दोनों वायर है, और यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल है इस कॉइल का ये दोनों वायर लीड इधर पर निकल गया है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से नीचे की ओर से इस तरह से हीट करेंगे तो ये अपने आप अंदर चला जाएगी। और देखिए ये सेटिंग हो चुकी है, इसमें कोई नट बोल्ट का सिस्टम नहीं है दोस्तों, बस इस तरह से सेटिंग हो जाती है। अब इसके अंदर हम ये आर्मेचर डाल देते हैं। देखिए हमारा ग्राइंडर मशीन दोस्तों कंप्लीट हो गया है सेटिंग होके। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसका कनेक्शन। देखिए इस तरह से हमारा जो कॉइल है एक इस तरह से आया है ना, तो इसका दो लीड निकल के आती है। एक तो दाई हाथ की तरफ जो मैंने पहले ही बताया वो डायरेक्टली कार्बन पॉइंट में आपका चला जाएगी, और जो बाई हाथ की तरफ दोस्तों लीड है ये वाला ये आपकी स्विच की पॉइंट में यानी पावर सप्लाई में जाएगी। और देखिए ये जो स्विच पॉइंट है ना यहाँ पर आएगी। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। आप देखिए ये हमारा दूसरा साइड का दूसरा कॉइल है, तो इसमें भी सेम कनेक्शन उस तरह से होगी दोस्तों। दाएं हाथ की तरफ जो लीड है वो कार्बन पॉइंट में जाएगी, ठीक है, देखिए इस कार्बन में, और जो बाएं हाथ की तरफ लीड आती है दोस्तों वो भी स्विच में जाएगी यानी पावर सप्लाई में, यानी पावर सप्लाई में हो जाएगी दो लीड और कार्बन पॉइंट में दो लीड। दोस्तों
ये जो कनेक्शन है वो अगर आप गलती कर देते हो दोस्तों, तो आपका जो मशीन का डायरेक्शन है ना वो उल्टी तरफ घूमने लगेगी। तो अगर उल्टा सीधा करना है दोस्तों, तो कार्बन का जो पॉइंट है उसको आपको एक्सचेंज कर देना होगा। उसी से आप इसका उल्टा सीधा घुमा सकते हो, सेफ कार्बन पॉइंट एक्सचेंज करके। ठीक है, अब देखिए पिछले वाला जो हाउजिंग है इसको हम लगा देते हैं इस तरह से। दोस्तों आज आप इसको हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, ये डायरेक्शन अच्छे से आप समझ लीजिए, इस तरह से घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो दोस्तों आपका यह डायरेक्शन उल्टी तरफ घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैंने पहले ही बताया, जो कार्बन में आप तार लगाए हैं दोनों कॉइल का, उसको एक्सचेंज कर देंगे तो आपका डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। मैंने जिस तरह से आपको कनेक्शन करके दिखाया दोस्तों, उस तरह से अगर करेंगे दोस्तों तो 100% वो सही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कुछ अगर पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर पर्सनली मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है टेक्निकल काफी नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।